श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण महीना शुरू हो चुका है, पर श्रावण महीने का पहला सोमवार अभी तक नहीं आया है, जो कि आने वाला है 10 जुलाई 2023 को। साथ ही में दोस्तों, श्रावण महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को है, साथ ही में इसी दिन सोमवार की अष्टमी भी है। ये बात सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो रहा हो, पर इस दिन अष्टमी तिथि लग रही है। भले ही हल्की सी लग रही है, पर इस दिन अष्टमी तिथि लग रही है। तो दोस्तों, श्रावण के महीने में सोमवार की अष्टमी के दिन, वो भी पहले ही श्रावण के सोमवार को आ रहा है, तो इससे बड़ा और क्या अच्छा संयोग हो सकता है। 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है जहां पर हमें अधिक मास के सावन यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो भाई, ऐसा मौका तो बिल्कुल हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इस सोमवार की अष्टमी, इस श्रावण अधिक मास की सोमवार की अष्टमी को आपको यह वाले विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए। आपको भले ही पहले से उपाय पता हो, पर यह उपाय आप सुन लीजिए, ज़रूर कीजिएगा, आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 जुलाई सावन सोमवार का पहला व्रत, साथ ही में दोस्तों सोमवार की अष्टमी के वो उपाय बताने वाले हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी जरूर बदल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस सावन की सोमवार के दिन करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे वो सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा और विशेष उपाय बताएंगे, जो कि 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्री का यह विशेष उपाय है। इस उपाय में आपको 10 जुलाई को सोमवार की अष्टमी के दिन, सावन सोमवार व्रत के दिन, जो भी आप पूजन अर्चना के लिए, शिव जी के लिए सामग्री लेकर जाए हैं वो तो आप लेकर जाएं, पर साथ ही में उपाय के लिए ये तीन चीज़ें अलग से रखना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है 31 चावल के दाने, कितने 31, 31 हरे मूंग के दाने, कितने 31, 31 बेलपत्र, कितनी 31 बेलपत्र। ये तीन चीज़ें मात्र आपको इस उपाय में लेकर जानी है। हो सके तो थोड़ा सा पीला चंदन अपने साथ में रख लेना और पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। इस उपाय की शुरुआत भगवान शिव जी की चौखट से हो जाती है, तो इसीलिए जैसे ही आप भगवान शिव जी की चौखट तक पहुंचे तो वहां पर रुक जाना, अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो, है ना। रुककर आपको करना क्या है, शिव जी की चौखट पर किसी भी साइड, भले लेफ्ट साइड भले राइट साइड, अपने 31 चावल के दाने लेकर जाओ। 31 जो सामग्री हमने आपको बताई है, ये आपको घर से ही गिनकर लेकर आनी है, ना कि मंदिर में बैठकर गिननी है, क्योंकि पहले उपाय ही मंदिर की चौखट से शुरू हो जाता है ना। तो सबसे अच्छा यही रहता है कि जाते से आप उस उपाय को शुरू कर दो। तो 31 चावल के दाने लेकर अपने मन की कामना कर भगवान शिव जी की चौखट पर समर्पित कर दो, जिस चौखट पर भगवान शिव जी के दो गणों का वास रहता है। यहाँ पर मणिभद्र और वीरभद्र, ये दोनों जो भद्र रहते हैं, मतलब दोनों जो गढ़ रहते हैं, ये भगवान शिव जी के बहुत प्रिय रहते हैं। और इसी भगवान शिव जी की चौखट पर आपको 31 चावल के दाने समर्पित करना है अपनी मन की कामना को करते हुए। फिर भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और सीताना नंदियाओं के पास में, शिव जी के पास में नहीं जाना है अभी, नंदियाओं के पास में आकर रुक कर आपको क्या करना है, नंदियाओं का जो उठा हुआ पैर है उसे देखना है और उसके पास में अपने 31 हरे मूंग के दाने लेना है, 31 है ना, 31, और इन्हें लेकर वहीं पर अपने मन की कामना करते हुए समर्पित कर देना है ना। फिर तीसरा स्थान है भगवान शिव जी की शिवलिंग, है ना। अब शिव जी के पास में आ जाओ, अपनी 31 बेलपत्र निकाल लो, 31 बेलपत्र को एक साथ जमा लो, और आप चाहो तो इन 31 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन लगा सकते हो, जो कि हमने आपको बोला था थोड़ा सा लेकर जाना है ना, चाहो तो लगा सकते हो, अन्यथा जो है एक आखिरी वाली एक बेलपत्र पर किसी पर भी आप लोग लगा सकते हो, है ना। 31 बेलपत्र को जमा कर भगवान शिव जी की जलाधारी के ऊपर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहाँ पर इन्हें समर्पित कर दो, है ना। समर्पित करने के बाद वहाँ पर हाथ जोड़कर भगवान से विनती कर लो, आप जिस भी कामना के लिए उपाय कर रहे हैं, अगली सोमवार की अष्टमी आने तक या 3 महीने के अंदर आपकी वह मनोकामना ज़रूर उससे पहले ही पूर्ण होगी, अगर आपने श्रावण के महीने के सोमवार की अष्टमी के दिन यह वाला उपाय किया है तो। उसके बाद में दोस्तों, हम आपको बताते हैं अगला वो उपाय जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आपने कर लिया तो आपका कोई काम रुक नहीं सकता, आपको हर काम में सफलता ज़रूर मिलेगी, भले वह आपकी नौकरी क्यों ना हो, आपकी परीक्षा क्यों ना हो, आपके इंटरव्यू क्यों ना हो, या आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई काम ना क्यों ना हो, आपको आपके काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। इस उपाय में आपको करना यह होगा कि एक नई कटोरी आपको लेना है। क्या लेना है, एक नई कटोरी, मतलब एक ऐसी कटोरी जिसको आपने कभी अभी तक उपयोग में ना लिया, आपके घर में जो भी नई कटोरी रखी हो उस एक कटोरी को ले लो। उसके अंदर आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर आना है, ठीक है। मात्र थोड़ा सा ही लाओ, एक कटोरी छोटी सी होती है, उतना ही दूध लाओ, ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है ना। तो एक नई कटोरी में शुद्ध देसी गाय का दूध आपको भर लेना है। शुद्ध देसी गाय का दूध होगा
जाएगा तभी उपाय काम करेगा, इस बात को भी आप लोग सुन लीजिए, है ना। तो उस कटोरी के अंदर शुद्ध देसी गाय का दूध डालकर मात्र एक अच्छी सी बेलपत्र लेकर उस कटोरी के अंदर डाल दो, ठीक है। डाल दिया आपने, इस कटोरी को इस तरीके से तैयार करके 10 जुलाई को सोमवार की अष्टमी के दिन पहुँच जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में शिव जी के पास में बैठो। शिव जी के पास में बैठने के बाद आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनो। ये जो बेलपत्री आपने इस दूध के अंदर डुबोई है, इसी बेलपत्र को डुबो डुबो कर इसी दूध को आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करना है, कटोरी से समर्पित नहीं करना है। एक बार आपने बेलपत्री को डुबोया, डुबोने के बाद जब आप बेलपत्री के ऊपर करेंगे ना, तो उस बेलपत्री में से बूंद बूंद दूध टपकेगा। तो मात्र आपको इसी तरीके से बेलपत्री को डुबोना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्री को कर देना है, तो अपने आप बूंद बूंद करके दूध टपकेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये कटोरी का पूरा दूध उसी बेलपत्र के सहारे बूंद बूंद करके भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। और जब आप यह बेलपत्री से भगवान शिव जी के ऊपर इस बूंद बूंद करके इस दूध को समर्पित कर रहे हो, तो उस समय भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो मंत्र बोलते हुए आपको इस दूध को समर्पित करना है। दूध जैसे ही आपका पूरी कटोरी का समर्पित हो जाए उस बेलपत्री के सहारे, उसके बाद में आपको इस बेलपत्री को भी कहीं पर समर्पित करना है, वो आप लोग सुनिए। तो इस बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और जब आप इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, तो इस डंडी का मुख जहां से जल बहता हुआ जाता है, जलाधारी से नीचे करता है, उस तरफ करके आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करके आप अपने मन की कामना या जो भी आपका काम रुक रहा हो, अटक रहा हो, उसके लिए आप अपनी कामना कर दीजिए, आपका वो काम बहुत ही जल्द पूर्ण जरूर हो जाएगा, एक बार करके जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 10 जुलाई को सोमवार के अष्टमी के दिन किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह जो उपाय है यह बहुत ही ज्यादा विशेष है और यह उपाय आपकी सरकारी नौकरी को लगा सकता है, ठीक है। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। तो इस उपाय में आपको लेना है 7 बेलपत्री और सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह इस उपाय को करना है ना। तो पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में 7 बेलपत्री को लेकर। अब इन 7 बेलपत्री पर आपको मंदिर में ही बैठकर कुछ काम करना है, वो आप लोग सुनिए। सबसे पहले अपने साथ केसर लेकर जाइएगा, जिसको घिसकर आप चंदन बना सकें, ठीक है। तो केसर को घिसकर जो आपने चंदन बनाया है, उसी चंदन से इन 7 बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको ओम लिखना है, जो भगवान शिव जी का ही एक स्वरूप होता है ओम, है ना। तो ओम आपको इन 7 बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लिखना है। आपने लिख दिया आप लोगों ने। अब लिखने के बाद दोस्तों, इन 7 बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और ऊपर चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कुछ समय तक जाप करने के बाद इन्हीं 7 बेलपत्र को आपको अपने साथ एक लाल कपड़ा लाना है। उस लाल कपड़े के अंदर इन 7 बेलपत्र को रखकर अपने घर आशीर्वाद स्वरूप समझकर ले आना है। इस 7 बेलपत्र को अपने घर में रखिए और निश्चित ही आपकी नौकरी बहुत जल्द लग जाएगी। आप जिस काम में सफलता पाना चाह रहे होंगे, अपने पढ़ाई से जुड़े हुए, अपने जीवन से जुड़े हुए, उसमें आपको काम में सफलता जरूर मिल जाएगी और आपकी अच्छी जगह वो भी सरकारी नौकरी पक्के में लग ही जाएगी। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अब जो अगले उपाय हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनको विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। तो अगर आपका भी विवाह नहीं हो रहा है तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। कुछ ही समय में आपको विवाह के लिए प्रस्ताव आना शुरू हो जाएंगे। इसमें आपको करना क्या है कि इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसको अपने हाथों से इस उपाय को करना है। 2 उपाय हम आपको बताएंगे, जिनमें से दोनों ही उपाय उसी व्यक्ति को करना है जिसके विवाह नहीं हो पा रहा है ना। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय में मात्र आपको हल्दी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? हल्दी की आवश्यकता होगी। और हल्दी लेकर आपको पहुंचना है सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में, है ना। भगवान शिव जी के मंदिर आप लोग पहुँचे, थोड़ी सी हल्दी को एक कटोरी में अलग से रखिएगा, उसको गीली कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि वो अच्छी थोड़ा दिखने में हो जाए। तो उसको थोड़ा सा आपने गीला कर लिया। अब गीला करने के बाद वह व्यक्ति, वह लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसे अपनी उंगली में इस हल्दी को लगा लेना है। किसी भी एक उंगली में लगा लो। तो उंगली में लगाने के बाद जो भी जिस उंगली से शुद्ध और धार्मिक कार्य किए जाते हैं, उस उंगली में इस एक हल्दी को लगा लो थोड़ा सा। और हल्दी को लगाने के बाद, एक बार ही हल्दी लगानी है, और 7 बिंदियाँ आपको भगवान शिव जी की जलाधारी पर लगानी है, जहाँ पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, ठीक है। हल्दी को लेकर अपनी उंगलियों से हल्दी की 7 बिंदियाँ माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर लगा लो। लगाने के बाद क्या करना है आप लोगों को? अपने दोनों हाथ की हथेलियों को क्या करना है? उस जलाधारी पर रख देना है जहाँ पर आपने 7 बिंदी के यहाँ पर हल्दी की लगाई हैं। भले ही आपके हाथ में कुछ ना हो, मात्र आपको इन अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराकर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है उस दिन, है ना, सोमवार के
ओकेजन। पीपल के वृक्ष के नीचे पहुँच कर पीपल के वृक्ष के ऊपर ही मतलब पेड़ के ऊपर ही 5 बार आपको छापे लगाना है। मतलब एक बार आपने स्पर्श कर लिया पीपल के वृक्ष को, फिर हटाकर फिर दूसरी बार कर लिया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, इस तरीके से 5 बार आपको स्पर्श कराना है और वहीं पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करना है कि आपका विवाह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो है बहुत जल्द पूर्ण हो जाए। आपका विवाह पक्के में पूर्ण हो ही जाएगा। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा उपाय है जो कि आप विवाह के लिए कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना कुछ नहीं रहता है, कोई सा भी एक लाल फूल ले लो, जैसे कि गुलाब का फूल ले लो आप लोग। गुलाब के फूल में आप थोड़ा सा चंदन लगाकर इसे भगवान शिव जी की माता अशुभ सुंदरी जी वाले स्थान पर मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच समर्पित करके आओ और भगवान से प्रार्थना करके आओ अपने विवाह के लिए। आपका विवाह ज़रूर बहुत जल्द पूर्ण हो ही जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यही कुछ वो उपाय थे, और भी बहुत सारे उपाय हैं जो कि हम आपको आगे बता देंगे, और यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं जिसका नाम है bholenathbhakti.com। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।